हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ आमित और हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा स्ट्रेंथ एंड कोजेंसी ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था वैलिडिटी एंड साउंडनेस ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम साउंडनेस की बात नहीं करेंगे, हम वैलिडिटी की बात नहीं करेंगे, वहाँ पर हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की। ठीक है, जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि यहाँ पर भी हम सेम वही मेथड यूज़ करेंगे जो हमने डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी और साउंडनेस के लिए किया था। यानी कि हम सबसे पहले अपने प्रेमाइसिस को देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या प्रेमाइसिस कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम ये चीज़ नेसेसरली फॉलो करते हैं, पर इंडक्शन में फ़र्क आ जाएगा। इंडक्शन में हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, यानी लाइकली होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो स्ट्रांग होगा, प्रोबेबिलिटी कम होगी तो वीक होगा, और ये चीज़ मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड। सो हेयर इज़ द एग्जांपल। मैंने कुछ प्रीमाइसेस लिए हैं और मैंने कुछ कंक्लूजन लिया है। इससे आपको ये तो आइडिया लग जाएगा कि ये एक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है पहला प्रीमाइस, देर आर 100 एप्पल्स इन द बैग, यानी एक बैग है जिसमें मैंने 100 एप्पल्स रखे हुए हैं। सेकेंड प्रीमाइस बोलता है 3 एप्पल्स आर राइप आफ्टर टेकिंग दी रैंडम सैंपल, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं उस बैग में हाथ डालता हूँ और 3 एप्पल्स राइप निकल जाते हैं रैंडमली। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ प्रॉबली द नेक्स्ट 787 एप्पल्स विल बी राइप। ठीक है, ये मैंने कंक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि मैंने 3 एप्पल्स वहाँ से निकाले थे। अब एक और सिनेरियो ले लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर मैं इसको सैंपल को बड़ा कर देता हूँ, एब्रप्टली बड़ा करूँगा, ये कर दूंगा 80 एप्पल्स। अब यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, प्रॉबली द नेक्स्ट 20 एप्पल्स विल ऑल्सो बी राइट। ठीक है, दिस विल बी मोर स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट। आप समझ सकते हो मैंने सैंपल साइज बड़ा कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं अगर 100 में से 80 एप्पल्स राइप निकले हैं तो हम बहुत स्ट्रांगली बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट 20 एप्पल्स होंगे वो प्रोबेबली स्ट्रांगली हमें ये बिलीव कराते हैं कि ये एक स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट होगा। यही पिछला एग्जांपल जो 3 एप्पल्स वाला था, वो बोलते थे कि नेक्स्ट 87 एप्पल्स विल बी राइप, वो बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट होता। वहां पर प्रीमाइसिस जो हमारे कंक्लूजन को प्रॉबली भी अगर सपोर्ट कर रहे थे तो उसकी प्रॉबिलिटी बहुत कम थी। आप समझ सकते हो अगर मैं सैंपल को और छोटा कर दूं, मैं इसको 70 कर दूं, 70 एप्पल्स कर दूं, तो नेक्स्ट 30 एप्पल्स राइप होंगे अगर मैं ये कहता हूं। बट उस स्टेटमेंट की अगर आप स्ट्रेंथ देखो, इस आर्ग्यूमेंट की ओवरऑल अगर आप स्ट्रेंथ देखोगे तो वो वीक हो जाएगी, यानी कि वो एक वीक आर्ग्यूमेंट रहेगा। आई होप आपको ये प्रॉबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर हमारी सैंपल साइज बढ़ रही है तभी हम प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बोल रहे हैं, उसी को हम स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। जहाँ प्रोबेबिलिटी कम होगी वो वीक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। यानी कि प्रीमाइसिस हमारे प्रॉपर तरीके से कंक्लूजन को जब सपोर्ट करेंगे तो ही वो आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग या वीक होगा। यही सारा कुछ हमने डिडक्टिव में भी किया था, पर वहाँ पर 100% होती है, वहाँ सारी चीज़ें नेसेसरली फॉलो होती हैं। यहाँ पर हर चीज़ प्रोबेबिलिटी से होगी, प्रोबेबली या लाइकली या एनी हाउ वो होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स रखूंगा जो और इस बेटर इस चीज को और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड देखना आप। सो हेयर आर द एग्जाम्पल्स, देख लेते हैं। मैंने यहां पर दो एग्जाम्पल्स लिए हैं स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के। पहला केस लिया है ट्रू प्रीमाइसिस का और दूसरा केस लिया है फॉल्स प्रीमाइसिस का, और एक एग्जाम्पल लिया है मैंने वीक आर्ग्यूमेंट का, जिससे आप ये समझ सको कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई आर्ग्यूमेंट जो इंडक्टिव है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स का मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने ट्रू प्रीमाइसेस दिए हैं। मैंने कहा है ऑल द इंडस वैली साइट्स वर डिस्कवर्ड इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि अब तक जो भी इंडस वैली साइट्स हमें मिली हैं वो इंडिया में हमें नॉर्दर्न या सेंट्रल पार्ट में ही मिली हैं। ठीक है, और मैंने इसी से कंक्लूड किया सो प्रोबेबली द नेक्स्ट साइट इन इंडिया विल बी डिस्कवर्ड इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अगर आज तक जितनी भी इंडस वैली साइट्स हमें मिली हैं जो कि इंडिया के अंदर हैं, नॉर्दर्न में या सेंट्रल पार्ट में,
ठीक है, जितनी भी इंडस वैली साइट्स जो कि इंडिया की हैं, ठीक है, मैं अभी बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडिया में मिली हैं साइट्स हमें उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो हमें नॉर्दर्न या सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में ही मिली हैं। ये एक ट्रू प्रीमाइस है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो नेक्स्ट अगर हमें कोई साइट मिलेगी तो उसके बहुत ज़्यादा लाइकली चांसेस होंगे कि वो नॉर्दर्न या सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में ही मिले। इस तरीके के आर्ग्यूमेंट को हम स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रीमाइस ट्रू था और कंक्लूजन भी हमारा बहुत स्ट्रॉन्गली प्रूव होके आया है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ लिखा है फॉल्स प्रीमाइस लिया है मैंने, एक मैंने बोला है ऑल द बॉटल्ड जूस आर मेड अप ऑफ फ्रूट्स। जितने भी बॉटल्ड जूसेस होते हैं, जितने भी बॉटल्ड जूस होते हैं, यानी जो बोतल बंद जूस होता है वो मेड अप ऑफ फ्रूट्स होता है। ये सरासर एक गलत बात हो सकती है, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, उसमें एडिड फ्लेवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये ट्रू है। तो हम बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट बॉटल फ्रूट जूस होगा वो भी फ्रूट से ही बना होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जितने भी बॉटल फ्रूट जूस के हम देखते हैं पैकेट्स, सब फ्रूट से बने हुए हैं। ये एक फॉल्स प्रिमाइस था, पर इसका जो कंक्लूजन है उसके सपोर्ट की वजह से ट्रू हो रहा है। ये भी एक फॉल्स कंक्लूजन ही है, बट एनी हाउ इट इज़ वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड टू द कंक्लूजन। प्रिमाइस बहुत स्ट्रांगली कंक्लूजन को प्रूव करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट होगा। हालांकि ये कोजेंट होगा कि नहीं होगा वो बाद की बात होगी, जैसे साउंडनेस हमने देखी थी डिडक्शन में। चलिए आई बहुत तेजी से वीक आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ मैंने बोले हैं दो प्रीमाइसेस, ठीक है। मैंने बोला है अल्फेंसो मैंगो इज सोल्ड इन इंडिया फॉर 150 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। अल्फेंसो मैंगो इंडिया में 150 रुपये किलो बिकता है। दूसरा प्रीमाइस लिया है दशहरी मैंगो इज ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया, ठीक है। सो प्रोबेबली दशहरी मैंगो विल ऑल्सो बी सोल्ड फॉर 150 रुपीज़ केजी। यानी मैंगो की जितनी प्रजातियां इंडिया में है क्या वो 150 रुपए किलो के हिसाब से बिकनी चाहिए, क्योंकि एक प्रजाति 150 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है? जी नहीं, ये एक वीक आर्ग्यूमेंट है, इसके होने के चांसेस बहुत कम होंगे। हमें पता है मैंगो की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, मोर देन 1000 टाइप्स ऑफ मैंगोज आर ग्रोन इन इंडिया, और सारे एक रेट पे नहीं बिकते हैं। अगर एक मैंगो किसी पर्टिकुलर रेट पे बिक रहा है तो दूसरा मैंगो किसी दूसरे रेट पे बिकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मैंगोज इन द कंट्री। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स और वीक आर्ग्यूमेंट्स में क्या फ़र्क है। यहाँ पर जो प्रीमाइसेस हैं वो कंक्लूजन को बहुत वीकली सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों ही केसेस में बहुत स्ट्रांगली उन्होंने कंक्लूजन को सपोर्ट किया, इसीलिए वो स्ट्रांग हुए। और भले ही उनके प्रीमाइसेस फॉल्स थे या ट्रू थे, इस पर डिपेंड नहीं करता, इस चीज़ को हमें समझना था। अब हम समझेंगे कि कोजेंसी क्या होती है, ठीक है। कोजेंसी का एक ही सिंपल फार्मूला है जैसे साउंडनेस का था डिडक्शन में, कोजेंसी का इंडक्टिव में एक ही फार्मूला है। पहला कि द आर्ग्यूमेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग, एंड सेकेंडली ऑल द प्रीमाइसेस शुड बी ट्रू। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ उस केस में भी जहाँ पर हमने साउंडनेस देखी थी, वैसे ही सेम यहाँ पर भी होगा कि अगर हमारा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा और उसके प्रीमाइसेस भी ट्रू होंगे, यानी एक भी प्रीमाइस अगर फॉल्स हो गया तो वो अनकोजेंट हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई हो आई होप कि कोजेंसी क्या होती है। कोजेंसी होती है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वो आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो, और दूसरी कंडीशन हो कि उसके सारे प्रीमाइसेस, ऑल द प्रीमाइसेस शुड बी ट्रू, ऑल द प्रीमाइसेस ट्रू। तो यहां पर सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है जो कि स्ट्रॉन्ग है, जिसके प्रीमाइसेस ट्रू थे, तो वो ये वाला था, यानी ये एग्जांपल हमारा कोजेंट भी होगा, और बाकी ये सारे के सारे अनकोजेंट होंगे। यानी कि भले ही आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसके प्रीमाइस फॉल्स हैं, इसलिए ये अनकोजेंट होगा। मैं आपको एक फाइनल एक समरी देने जा रहा हूँ जिससे आपको ये चीज़ कन्फर्म हो जाए कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, उसकी साउंडनेस वैलिडिटी क्या होती है। ऐसे ही इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में भी हम कोजेंसी और स्ट्रेंथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट को किसको बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो हेयर इज द फाइनल समरी ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमने अभी तक पढ़े, आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, प्रीमाइसेस के बारे में, डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के बारे में।
अब हमें ये तो पता चल चुका है कि अगर कोई स्टेटमेंट हम देखेंगे तो वो स्टेटमेंट अगर ट्रू है या फॉल्स है, ये दो ही वैल्यूज़ वो ले सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो ट्रू और फॉल्स नहीं है तो वो स्टेटमेंट ही नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको इसमें और डिटेल में समझना हो तो आप पीछे जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, मैंने आर्ग्यूमेंट, प्रीमाइसेस, स्टेटमेंट सब क्लियर किया हुआ है। अब हमें ये पता है कि जब हम स्टेटमेंट्स बहुत सारे देखते हैं तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो आर्ग्यूमेंट होंगे या वो नॉन आर्ग्यूमेंट होंगे। यानी तीन चार ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जब हम देखेंगे तो वो मिल करके या तो आर्ग्यूमेंट बनाएंगे या नॉन आर्ग्यूमेंट बनाएंगे, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन प्रेमाइसिस कौन से हैं, कंक्लूजन कौन से हैं, उनके इंडिकेटर्स क्या हैं, ये सब आप फिर पीछे वाली स्लाइड्स में जा कर के, पीछे वाले प्लेलिस्ट के वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हो। तो अगर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दो चीज़ें ले हो सकती हैं, या तो वो आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या वो नॉन आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। और अगर वो आर्ग्यूमेंट अगर हो गए तो या तो वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होंगे या वो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होंगे। और अगर ये पता करना हो आपको तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हो, डिडक्टिव और इंडक्टिव फॉर्म्स वाला, ठीक है। अब अगर ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट सपोज हो जाते हैं तो हमें पता है कि या तो वो वैलिड आर्ग्यूमेंट्स होंगे या वो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। अगर वो वैलिड आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो या तो वो साउंड होंगे या वो अनसाउंड होंगे। इसको भी समझने के लिए आप इससे पीछे वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और अगर वो इनवैलिड होंगे तो ऑब्वियसली बात है ऑल दी इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स आर अनसाउंड, ठीक है। यानी वो साउंड की कंडीशन होगी नहीं तो अनसाउंड हो जाएंगे। अगर वो इंडक्टिव होते हैं तो मैंने इसी वीडियो में बताया है, या तो वो स्ट्रांग होंगे या वो वीक होंगे। अगर वो स्ट्रांग होंगे तो वो कोजेंट भी हो सकते हैं और अनकोजेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रीमाइसेस। अगर स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट में सारे प्रीमाइसेस ट्रू होंगे तो वो कोजेंट होंगे, और अगर उसमें से एक भी फॉल्स हो गया तो वो अनकोजेंट हो जाएंगे। और अगर इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट वीक हुआ तो ऑब्वियसली बात है पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि वो अनकोजेंट हो जाएंगे। जितने भी वीक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो अनकोजेंट होते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हों। क्लियरिटी और अगर आपको चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट लॉजिकल रीजनिंग की बनी हुई है, आप वीडियो शफल करके आगे पीछे देख सकते हो। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।